टुडे सिक्स चैप्टर ऑफ रूट्स एंड विंग्स द सेल्फिश जाइंट। जाइंट का मतलब होता है दैत्य, ठीक है, दैत्य राक्षस। तो सेल्फिश का मतलब स्वार्थी, स्वार्थी राक्षस, ठीक है। लिखा किसने है, ऑस्कर वाइल्ड वॉज अ वेल नोन राइटर फ्रॉम आयरलैंड। ये लिखी हुई है ऑस्कर वाइल्ड की, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एवरी आफ्टरनून द चिल्ड्रेन यूज टू गो एंड प्ले इन अ जाइंट्स गार्डन। रोज़ दोपहर को बच्चे एक दैत्य के गार्डन में, बगीचे में जाकर खेलते थे। द जाइंट वॉज नॉट देयर, जाइंट वहाँ नहीं था। ही हैड गॉन टू मीट हिज फ्रेंड, वह अपने दोस्त से मिलने गया था। इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास। गार्डन कैसा था, लार्ज था, लवली मतलब बहुत ही सुंदर था, सॉफ्ट ग्रीन ग्रास बहुत ही नरम हरी हरी घास थी वहाँ। देर वेर ब्यूटिफुल फ्लावर्स दैट ग्रू ऑन द ग्रास लाइक स्टार्स, सुंदर सुंदर फूल थे जो तारों की तरह लगते थे, छोटे छोटे घास में लगे हुए। देर वेर 12 पीच ट्रीज, 12 पीच आड़ू, आड़ू होते ना, सतालू बोलते हैं, आड़ू के पेड़ थे। द बर्ड सैंग स्वीटली ऑन द ट्रीज एंड द चिल्ड्रेन लिसन टू देम इन डिलाइट। पक्षी बहुत ही मधुर गाना गाती थी और बच्चे उनको बहुत आनंदित होकर सुनते थे। दे सेड टू ईच अदर हाउ हैप्पी वी आर हियर, बच्चे बोलते थे कि देखो हम कितने खुश हैं यहाँ पर। द जाइंट स्टेड विथ हिज फ्रेंड फॉर 7 years, 7 साल तक जो है दैत्य अपने दोस्त के पास रहा। वन डे डिसाइडेड टू कम बैक टू हिज कैसल, एक दिन उसने ये निर्णय लिया, ये विचार किया कि मुझे अपने राजमहल में, अपने कैसल में वापस जाना चाहिए। व्हेन ही केम बैक ही सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग हैप्पीली इन हिज गार्डन, जब वो आया तो देखा कि चिल्ड्रन जो है बहुत ही खुशी खुशी उसके गार्डन में खेल रहे हैं। व्हाट आर यू ऑल डूइंग हियर, ही क्राइड इन अ ग्रफ वॉइस, ग्रफ वॉइस या रुखी आवाज़ में उसने ज़ोर से चिल्ला कर कहा, व्हाट आर यू ऑल डूइंग हियर, तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो। द फ्राइटन चिल्ड्रन जस्ट रन अवे, अब डरे हुए बच्चे क्या भाग गए, तुरंत फटाफट भाग गए। माई ओन गार्डन इज माई ओन गार्डन, मेरा अपना गार्डन, मेरा अपना ही गार्डन है, सेड द जाइंट। दैत्य ने कहा, एंड आई विल नॉट अलाउ एनी बॉडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ, और मैं किसी को भी अपने अलावा और किसी को भी यहाँ आने नहीं दूंगा, खेलने नहीं दूंगा, ठीक है। सो ही बिल्ट अ हाई वॉल ऑन ऑल अराउंड इट, सारे अपने चारों ओर जो है उसने क्या किया, एक ऊंची दीवार लगा दी। एंड पुट अपन नोटिस बोर्ड, एक नोटिस बोर्ड लगा दिया, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, यानी जो अतिक्रमी जिनको अलाउड नहीं है आना, वो अगर आ गए तो उनको मार दिया जाएगा, प्रोसिक्यूटेड यानी मार देना। ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जाइंट, वह एक बहुत ही स्वार्थी दैत्य था। नाउ अब क्या है कि नाउ द पुअर चिल्ड्रेन हैड नोवेयर टू प्ले, अब कोई जगह नहीं थी। दे वांडर्ड अराउंड द हाई वॉल्स व्हेन देयर चिल्ड्रन स्कूल गॉट ओवर एंड टॉक्ड अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड इट। क्या है कि बात करते थे वो आपस में, वो रोज़ देखते, वो दीवारों की तरफ देखते आते जाते, स्कूल से आते जाते, और क्या करते कि सोचते कि इतना अच्छा गार्डन था, कितना सुंदर हम ऐसे खेलते थे। देन केम स्प्रिंग, अब बसंत का मौसम आया। ऑल ओवर द कंट्री देर वेर ब्लॉसम्स, फूल खिल गए थे, ब्लॉसम यानी बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल जो है खिल गए थे बसंत के महीने में। जब स्प्रिंग ऋतु आती है, बसंत आता है, तब कितने फूल खिलते हैं, बहुत सुंदर मौसम होता है वो, और बर्ड्स जो है वो गाती। ओनली इन द गार्डन ऑफ द जाइंट इट वॉज विंटर विथ स्नो एंड फ्रॉस्ट, पूरे कंट्री में जो है बसंत का मौसम था, स्प्रिंग का मौसम था, लेकिन सिर्फ उस जाइंट के ही बगीचे में सर्दी का मौसम था, जहाँ पे खाली बर्फ और फ्रॉस्ट ठंडी लग वहाँ पर फैली हुई थी। द बर्ड डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रेन, बर्ड्स जो है वो बिल्कुल भी, क्योंकि बच्चे नहीं थे तो वो भी नहीं गाती थी, वहाँ पर जाती नहीं थी। एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, और वहाँ के जो पेड़ थे ना वो खिलना बंद हो गए, उनके फूल आने बंद हो गए। आई कैनॉट अंडरस्टैंड Why spring is so late in coming?
सेट द सेल्फिश जाइंट। अब सेल्फिश जाइंट जो है वो सोचता है कि अरे मुझे समझ में नहीं आता है कि इस बार स्प्रिंग इतनी लेट क्यों आई है, आ नहीं रही है, अभी तक नहीं आई है, अभी इस वक्त जो है बसंत का मौसम अभी तक आया क्यों नहीं है। तो एज ही सेट एट द विंडो एंड लुक्ड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन, जैसे ही उसने अपने सफ़ेद सफ़ेद हुए गार्डन को देखा तब तो उसने कहा कि क्या बात है, पता नहीं आज तो अब की बार तो स्प्रिंग आया ही नहीं, बहुत टाइम लगा रहा है। आई होप देर विल बी अ चेंज इन द वेदर सून, मुझे आशा है कि अब मौसम में आगे जाके बदलाव होगा। बट स्प्रिंग नेवर केम नॉट डिड समर, न तो स्प्रिंग सीजन आया और न ही समर सीजन आया। वन मॉर्निंग व्हेन द जायंट वोक अप ही हर्ड सम लवली म्यूजिक, एक मधुर संगीत उनको सुनाई दिया। इट वॉज अ लिटिल बर्ड सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, एक छोटी सी पक्षी उसके खिड़की के बाहर, महल की खिड़की के बाहर में गा रही थी। इट सीम टू हिम द मोस्ट ब्यूटिफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड, उसे ऐसा लगा कि ये जो म्यूजिक है वो सबसे सुंदर, विश्व का सबसे सुंदर म्यूजिक है। अ नाइस परफ्यूम रिस्ट हिम, एक बहुत ही सुंदर सुगंध उस तक पहुँची। होपिंग दैट स्प्रिंग हैड कम टू हिज गार्डन एट द लास्ट, उसको आशा उस वजह से उसने ये सोचा कि अरे शायद बसंत का मौसम आ गया होगा, आखिर में आया है मेरे भी गार्डन में। द जाइंट जम्प्ड आउट ऑफ द बेड, जाइंट जो है वो पलंग से उठ गया। एंड लुक्ड आउट बट व्हाट डिड ही सी, उसने देखा, उसने क्या देखा, ही सॉ द मोस्ट वंडरफुल साइट, उसने एक बहुत ही अद्भुत बहुत ही बढ़िया नज़ारा देखा। साइट यानी नज़ारा, थ्रू अ होल इन द वॉल, एक वॉल के छेद से उसने देखा, अपने राजमहल के वॉल के छेद से उसने देखा। द चिल्ड्रन हैड क्रप्ट इन एंड दे वर सिटिंग इन द ट्रीज, बच्चे जो है ना वो जो कोई छेद हुआ होगा वो आ गए, बच्चे जो हैं उस गार्डन के अंदर में कैसे भी करके वो जैसे दीवार फांद कर आ गए हो या किसी छेद से आ गए हो। द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक, अब ट्रीज भी बहुत खुश हो गई चिल्ड्रन को, जो चिल्ड्रंस जो थे, जो चिल्ड्रन थे उनको वापस देखकर वो ट्रीज बहुत खुश हो गई। एंड दे हैड कवर्ड देम सेल्फ विद ब्लॉसम, और उन्होंने अपने जो है अपने आप को पूरे फूल फूल से भर लिए। द बर्ड्स वर सिंगिंग अराउंड, बर्ड्स भी जो है आ गई, गाने गा रही थी वो तो। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास, और हरे घास से भी फूल आ गए, बहुत ही सुंदर सीन था। ओनली इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन इट वॉज स्टिल विंटर, सिर्फ एक ही कॉर्नर था जिसमें अभी भी विंटर था। अ वेरी स्मॉल बॉय वॉज क्राइंग, एक छोटा सा लड़का, बहुत ही छोटा लड़का रो रहा था। एज ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, क्योंकि वो ब्रांचेस ऑफ ट्री में जहाँ पे बच्चे बैठे हुए थे वहाँ नहीं जा सक रहा था। द जाइंट लुक्ड एट दिस चाइल्ड हिज हार्ट मेल्टेड, अब जाइंट ने उस बच्चे को देखा तो उसकी हार्ट जो है, उसके हृदय जो है वो पिघल गया, उसको भी बड़ी दया आई, करुणा आ गई उसको। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, मैं कितना स्वार्थी रहा हूँ। ही सेड नाउ आई नो वाई स्प्रिंग डिड नॉट कम हियर, अब मैं समझ गया कि स्प्रिंग मेरे गार्डन में क्यों नहीं आया। आई विल नॉक डाउन द वॉल, मैं ये दीवार को तोड़ दूंगा, नॉकडाउन ये तोड़ दूंगा। एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड, और मेरा गार्डन जो है वो बच्चों का खेलने का स्थान बन जाएगा फॉर एवर एंड एवर, हमेशा के लिए। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन, उसे बहुत ही अफसोस था, खेद था जो उसने किया उसके ऊपर। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।